सेलो के इस मिक्स शू रैक में आपको एक टॉप पैनल मिल जाता है जो इस तरह का है, एक मिडिल पैनल मिल जाता है जो कबर्ड के बीच में लगेगा, और एक बॉटम पैनल मिल जाता है जो सबसे नीचे लगेगा। इसके अलावा इसमें 3 बैक पैनल्स मिल जाते हैं, एक मिडिल का छोटा और 2 सेम साइज के बैक पैनल्स मिल जाते हैं। इसके बाद 4 साइड्स पैनल मिल जाते हैं, 2 छोटे साइज के और 2 बड़े साइज के। बड़े साइज के साइड पैनल में आप देख सकते हैं ग्रूव्स बने हुए हैं जिसमें हम शू रैक्स को असेंबल करेंगे। इसके अलावा इसमें 4 डोर हैंडल स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, 2 छोटे डोर मिल जाते हैं और 2 बड़े साइज के डोर मिल जाते हैं। डोर हैंडल स्ट्रिप्स आपको अलग से मिलती हैं, इसे हमें डोर्स के टॉप साइड में आप हैंडल स्ट्रिप्स को आसानी से असेंबल कर सकते हैं। इसे प्रॉपरली अलाइन करके हल्का सा पुश करेंगे तो स्ट्रिप्स असेंबल हो जाएंगी, और ध्यान रखें कि ये ग्रूव्स दोनों एक साइड होना चाहिए। इसी तरह से हम स्ट्रिप को बड़े डोर में भी असेंबल कर देंगे। हैंडल सेंटर की साइड है और दोनों ग्रूव्स एक साइड पर हैं। आइए अब इसकी असेंबलिंग देख लेते हैं। बड़े ही आसानी से इसको हम असेंबल कर सकते हैं। सबसे पहले बॉटम पैनल को नीचे रख के बैक पैनल्स को हम असेंबल करेंगे। बैक पैनल्स को असेंबल करते टाइम प्लेन सरफेस को अंदर की साइड रखना है और हॉलो सरफेस को बाहर की साइड रखना है। इसके बाद साइड पैनल्स को असेंबल कर लेंगे। साइड पैनल्स को असेंबल करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि जो ग्रूव्स दिए गए हैं उसमें ओपन एंड को ऊपर की साइड रखना है और इसे असेंबल करना है। इसी तरह से दूसरे साइड के भी साइड पैनल को हम असेंबल कर लेंगे। इसके बाद सेंटर पैनल को इसके ऊपर अलाइन करके बैक साइड को पुश करके फिक्स करेंगे और इसके बाद फ्रंट साइड को फिक्स करेंगे। फ्रंट साइड में थोड़ा स्पेस देना जरूरी है क्योंकि जब हम डोर को फिक्स करेंगे तो हमें आसानी हो। अब हम डोर को फिक्स करने के लिए हैंडल को सेंटर साइड रख के दिए गए ग्रूव को बॉटम में अलाइन करके फिक्स करेंगे और फिर टॉप में अलाइन करके सेंटर पैनल को पुश कर देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के डोर को भी फिक्स कर लेंगे। इसके बाद टॉप सेक्शन को असेंबल करने के लिए बैक पैनल को फिक्स करेंगे, प्लेन सरफेस को अंदर रखेंगे। इसी तरह से दोनों साइड पैनल्स को भी फिक्स कर लेंगे, इसमें हॉलो सरफेस को अंदर रखेंगे और प्लेन सरफेस को बाहर की साइड रखेंगे। बैक और साइड पैनल फिक्स होने के बाद टॉप पैनल को फिक्स करेंगे, तो टॉप पैनल को अलाइन करके बैक साइड को पुश करके फिक्स करेंगे। फ्रंट साइड में थोड़ा सा स्पेस देंगे ताकि हम डोर को आसानी से लगा पाएं। अब हम डोर को फिक्स कर लेंगे। बॉटम और टॉप ग्रू को अलाइन करके टॉप पैनल को पुश करेंगे तो डोर अपनी जगह पर लग जाएगा। इसी तरह से दूसरे डोर को भी फिक्स कर लेंगे। अब हमने 90% असेंबलिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो बॉटम सेक्शन है उसमें हम शू रैक को असेंबल करेंगे। शू रैक्स को असेंबल करने के लिए बॉटम रैक को सबसे पहले असेंबल करेंगे। इसमें अंदर वाले पाइप और बाहर वाले पाइप को सेम लेवल पर फिक्स करेंगे। इसके बाद मिडिल रैक में अंदर वाले पाइप को थोड़ा सा नीचे फिक्स करेंगे और जो बाहर वाला पाइप होगा उसे एक लेवल ऊपर फिक्स करेंगे ताकि हमें एक लाइन जैसा स्पेस मिल जाए। इसके बाद टॉप रैक को भी इसी तरह से फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमें 3 शू रैक्स मिल जाते हैं। तो बड़े ही आसानी से हम अपने शू रैक की असेंबलिंग को कुछ ही मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं।